नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन, हिंदी चेस पे सीडे चल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक ग्रैंड प्री में चौथा राउंड खेला गया, और जैसा कि है कि चार खिलाड़ी हैं तो डबल राउंड रॉबिन है। तो जैसे पहले राउंड में विदित नारूनियन से खेला था ब्लैक पीसेस से, चौथे राउंड में उनको सफ़ेद भौरे मिले, और पिछले बार काले भौरों से विदित हार गए थे वो मुकाबला। आज विदित ने बहुत जोर लगाया, लेकिन मैच जो है अल्टीमेटली ड्रॉ ही रहा। इस ड्रॉ के परिणाम स्वरूप जो है अभी अरुण ने एक अंक की लीड बनाए हुए हैं, और अब सिर्फ 2 राउंड बाकी हैं। तो ऐसे में कैसे क्या विदित के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं, इस पे हम इस मैच के ख़त्म होने पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैच देखते हैं। विदित ने सफ़ेद बोरों से इंग्लिश ओपनिंग से शुरुआत करी, c4, Nf6, g3, e6, Bb2, Ad5, सो Nf3, एंड नाउ यहाँ पर ब्लैक चूज़ करते हैं d into c4, जो कि सेकेंड नंबर की बेस्ट लाइन है। सबसे ज़्यादा जो मूव खेला जाता है वो बिशप e7 खेला जाता है। तो यहाँ पर अरोनियन जानबूझ के d into c4 के लिए जाते हैं। ओके, क्वीन a4 चेक विदित देते हैं, जो इसका मेन लाइन है। Nb7, नाउ क्वीन into c4 जो पॉन दिया था उसको कवर कर लिया। a6, नाउ क्वीन c2, वाइट पीछे आ जाता है। c5, अब ब्लैक जो है स्पेस लेने की कोशिश करेगा इस मैच में क्वीन साइड से, जो कि मेन स्ट्रैटी होती है उसकी। ओके, Nc3, एंड नाउ यहाँ पर अरुणन खेलते हैं क्वीन c7 लाइन, और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं d4। अब अगर आप डाटा बेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी 39 गेम, मतलब करीब करीब 40 गेम ही खेले गए हैं इस गेम को मिला लेते हैं तो अभी तक हिस्ट्री में इस लाइन के ऊपर, पर्टिकुलरली जो हम बोले कि टॉप लेवल पर। अगर यहाँ पे एक्चुअली में अगर ब्लैक एक्सेप्ट कर लेता है c into d4, Nd4, तो ये वाइट के लिए काफ़ी अच्छा पोजीशन है, क्योंकि आप देखिए वाइट कैसल के लिए भी तैयार है अभी। और इस तरह के स्ट्रक्चर पे अरोनियन जैसे प्लेयर नहीं खेलना चाहेंगे, मतलब दब करके। तो यहाँ पर अरोनियन वो लाइन खेलते हैं यहाँ पर d4 पे जो है। इससे पहले एक्चुअली में एक मैच हुआ है, अरोनियन ने मैच खेला है और अल्टीमेट ब्लादिस्लाव के साथ ब्लैक पीसेस से, सेम टू सेम इस लाइन में। और उस मैच में ब्लादिस्लाव ने यहाँ पर कैसल किया था, तो विदित ने उसमें एक चेंज किया और विदित यहाँ पर d4 खेलते हैं। तो dc4 से गेम को एक अलग डायरेक्शन में लेके गए अरोनियन, लेकिन d4 के साथ विदित ने इंटेंशन जताया कि उनकी भी यहाँ पर स्टडी है। आगे क्या होता है, इन्होंने खेला b5, नाउ विदित खेलते हैं यहाँ पर बिशप f4। अब दरअसल बिशप f4, क्वीन a7 और विदित खेलते हैं d5। अब 1967 में 1967 में एक मैच खेला गया था, पॉल केरस और एक ग्रैंड मास्टर थे साबो, उनके बीच ये मैच खेला गया। साबो ने वाइट से लाइन खेली है d5 करके, पॉन सेक्रीफाइस है एक तरह का, जो कि उन्होंने दिया है पॉन सेक्रीफाइस, और वो मैच ड्रॉ रहा था। तो उसमें आगे गेम कैसे हुआ था उस लाइन में, कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में, यहाँ तक तो सेम हुआ एक्सचेंज e d5, और यहाँ पर उन्होंने e4 खेला था। तो केरस ने जवाब दिया था d4, क्योंकि आप पोजीशन ओपन तो करेंगे नहीं, नहीं तो आपका किंग सेंटर पर रखा है। और इस तरह से मैच आगे गया था e5 और बिशप e7, और बाद में कुछ एक्सचेंजेस हो गए थे यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर जिस तरह का यहाँ पे बन गया था, आप देख सकते हो कि पौन अप होने के बाद भी वाइट के पास प्ले था, और ये मैच दोनों एग्री ड्रॉ पे ख़त्म हुआ था। तो इस मैच में क्या हुआ कि विदित ने e4 से सेंटर पे इमीडिएटली अटैक ना करते हुए उन्होंने a4 खेला पहले। अब यहाँ यही एक्चुअली में गेम का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही था, और यही टेस्ट था अरोनियन का, जिस पर अरोनियन पास कर गए टेस्ट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया हुआ था। उन्होंने मैच के बाद बोला भी कि ये लाइन उन्होंने देखी हुई थी, और उनको पता था कि वाइट को स्लाइट एडवांटेज आएगा, लेकिन बहुत कुछ खास एडवांटेज नहीं आएगा। सो यहाँ पर जैसे अलग अलग क्या हो सकता था, जैसे Bf4 सबसे ख़राब हो सकता है ब्लैक के लिए क्वीन a4 के बाद। अब आप सोचो कि कैसल करना है तो Ne5 आ रहा है, और अब आप इस पर कैसल नहीं कर सकते जैसे Nc6 जैसे मूव्स आ रहे, तो ये पोजीशन बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता ब्लैक के लिए। दूसरा एक लाइन हो सकता था कि अरुण ने यहाँ पे b4 पुश कर देते, जैसे कि हमने उस मैच में भी देखा था कि b4 पुश हुआ जो केरस वाला, और उसमें शायद कभी ना कभी वाइट जो है वो e4 जाएगा, तो बाद में वही स्ट्रक्चर बनेगा थोड़ा सा बैकवर्ड पॉन का, जिस पर पॉन अप होने के बाद भी ब्लैक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। सो कासल यहाँ पर जैसे मान लीजिए बिशप e7, रुक f d1, अभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, d4 वरना Nd4 ही आ जाएगा। सो जैसे बिशप b7, तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन आ रहे थे जिसपे इवन वाइट एक पॉन सेक्रीफाइस कर सकते, सॉरी पीस सेक्रीफाइस कर सकता है, जैसे g5, Nf5, अभी gf4 पूरा पीस भी देते तो भी बिशप d5, बिशप d5, रुक d5 के, तो पोजिशन कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर जैसे मान लो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, किंग f8 अगर कोई खेले तो यहाँ पर Ne7, किंग e7, क्वीन e4, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। तो यहाँ पर अरुणियन ने अपनी जो है समझ का इस्तेमाल किया, उनके नॉलेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करने दिए,
उन्होंने खेला बिशप ई सेवन, ये देखते हैं खेला इनटू बी फाइव, क्वीन बी सिक्स, मतलब वो पॉन उन्होंने दे दिया, पॉन अभी तो मार ही नहीं सकते थे, पिन था। नाउ यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट ई फाइव, नाइट इनटू ई फाइव, तो विदित खेलते हैं पहले बिशप इनटू डी फाइव, रुक मर रहा है पहले, तो बिशप बी सेवन, नाउ क्वीन ई फोर, फोर्स कर रहे हैं अभी कि देखिए आपका बिशप अभी भी मर रहा है, तो उन्होंने बिशप डी फाइव, क्वीन डी फाइव, और अभी रुक मर रहा था तो कैसल किया और बिशप ई फाइव। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर आप क्वीन बी फाइव, क्वीन इनटू बी फाइव मारा यहाँ पर ब्लैक ने, नाउ कासल पॉन से नहीं मार सकते थे क्योंकि रुक एट आ रहा था, सो एंड देन रुक एफ ई एट, बिशप सी थ्री, सी यहाँ पर ए फाइव करते हैं। अच्छा अरुणन ने बाद में इंटरव्यू में बोला कि इस पूरी लाइन में बस यही सबसे खास था कि ए फाइव ए फोर बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में ए फाइव या ए फोर के स्क्वायर पर वाइट का कब्जा हो गया तो फिर शायद ये पॉन का फ्यूचर गड़बड़ हो सकता है, तो इसीलिए अरुणन ने बहुत जल्दी ए फाइव ए फोर किया, कोई मौका नहीं दिया। और या ये जरूर एक मोमेंट है जहाँ पर एनालिसिस करने के बाद विश्लेषक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद रुक एफ सी वन करके एक प्रेशर इस पॉन के टुवर्ड्स रखा जा सकता है, जैसे जैसे ये रुक तो दोनों पे थोड़ा प्रेशर रख सकता है, बिशप की ब्लैक का पोजीशन काफ़ी अच्छा है इस बिशप की वजह से, और इसमें देखिए ब्लैक का मेन प्लान है किसी भी तरीके से ये पॉन एक्सचेंज करना, और ये एक्सचेंज हो गया तो उसकी मेन वीकनेस ख़त्म हो जाती है और फिर वो मैच ड्रॉ है, और वो ही करने में अरुणियन सफल रहे। तो खैर विदित ने रुक एफ डी वन खेला और क्वीन बी थ्री यहाँ पर आए, रुक ए थ्री। अच्छा ये एक क्रिटिकल मोमेंट है एक्चुअली, मतलब जहाँ पे अपोनेंट ऑफर कर रहा है क्वीन एक्सचेंज, और जब विदित ने मेरे ख्याल से जब ये रुक डी वन खेला है तभी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा कि क्वीन बी थ्री आ रहा है, लेकिन ये ना इतना आसान नहीं होता, मतलब बाद में कह देना बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे एक्सचेंज करना था कि नहीं करना था, लेकिन ये आसान नहीं होता। और यहाँ पे विदित ने वैसे डिसीजन कोई गलत नहीं लिया, ये जो एंड गेम है ये वाइट को ही स्लाइड बेटर है, क्योंकि आप देखिए ब्लैक के दोनों पॉन जो है उस पर प्रेशर रहेगा, लेकिन अरुणिन जैसे प्लेयर जिन्होंने इसको एंड गेम को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है उनको पता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं, तो उन्होंने सी फोर खेला रुक ए टू, रुक आता है यहाँ पे पहले सी फोर के पॉन को प्रोटेक्ट किया रुक ई सी एट से, किंग एफ वन विदित लेके आए तो ए थ्री करके उन्होंने वो अपना पॉन एक्सचेंज किया, और इसके बाद ये मैच इक्वल था विदित ने। ये भी देखिए ये और इस तरह की स्टडी होना ये अरुणिन की खास बात है कि देखिए अगर कोई और हो तो शायद ये मैच फंस भी सकता है क्योंकि सेम कलर बिशप पे कुछ भी होता है कभी कभी, एक आध पॉन अगर मर गया तो, लेकिन ये मूव निकाल लेना कि ये एंड गेम ड्रॉ है, मतलब नेचुरली आप देखिए कि इस एंड गेम को अगर मैं बोलूँ आपसे कि वाइट से चूज़ करो कि ब्लैक से लेना पसंद करोगे तो आप 100% बोलोगे नहीं तो मेरे को वाइट से ही चाहिए भैया, इतना पॉन स्ट्रक्चर ख़राब है, लेकिन ये इतने टॉप लेवल के ग्रैंड मास्टर है ना अरुणिन, इतना बड़ा टूर्नामेंट विश्व कप दो दो बार जीता हुआ, इतना नॉलेज है, उनको पता है कि स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं होगा, कि ये स्ट्रक्चर किंग जो है वो संभाल लेगा तीन पॉन को, और ये पॉन पास्ट पॉन जो है ये इनको मदद करेगी, और वो मैच देखिए उन्होंने फिर क्या किया किंग डी टू के बाद रुक एट जा करके वो फाइनली संभाल लिया। यहाँ पे आप अगर आप इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे तो रुक ए टू के बाद आपके पॉन्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर विदित ने ड्रॉ ले लिया। शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद इसके कुछ और तरीके हो सकते थे खेलने के अलग अलग इस रुक एंड गेम को, जैसे कभी रुक एट के बाद शायद रुक सी सेवन रख के खेला जा सकता है क्या, बट अल्टीमेटली वो मैच जो है वो मोस्टली ड्रॉ ही होता है इस तरह के एंड गेम, भले ही इंजन कुछ प्लस बेटर दिखा रहा हो यहाँ पर वाइट को, तो ये मैच ड्रॉ हो गया। तो अब बात करते हैं कि ये मैच ड्रॉ होने के बाद स्थिति क्या बन गई। अब देखिए कि अरुणियन एक तीन पॉइंट पे खेल रहे हैं चार मैच के बाद, विदित के पास दो पॉइंट हैं, और डुबो भी आज का मैच जीत गए तो उनके भी दो पॉइंट हैं। तो अब स्थिति यह है कि अगर हम सिर्फ विदित और अरुणियन की बात कर लें तो यहाँ पर स्थिति यह है कि अगर कभी टाई ब्रेक की स्थिति भी आनी है तो या तो अरुणियन बचे हुए दो मैच में डुबो उनको हरा दे, या कोई विंसेंट केमर हराएंगे तो बड़ा मुश्किल लगता है, या अगले दो मैच अरुणियन ड्रॉ करे विदित जीत जाए दो में से दो, तो उसके बाद शायद टाई ब्रेक जो है वो खेला जा सकता है। तो देखते हैं, चांसेस डेफिनेटली अरुणियन के ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदित के चांसेस अभी खत्म हो गए, बस यही है विदित को डुबो को एक बार और हराना होगा और विंसेंट केमर को भी हराना होगा, तो बैक टू बैक दो जीत से शायद विदित का कोई रास्ता जो है वो सेमीफाइनल के लिए खुल सकता है। फिर एनी वे इस टूर्नामेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी, एक दिन का विश्राम है अब और उसके बाद अब मुकाबले शुरू होंगे। तो यूं ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर किया करें नीचे जैसा भी आपको लगता है वीडियोज़ के बारे में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।